कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कमलनाथ जी के नेतृत्व में रोज एक विधानसभा की समीक्षा बैठक हम लोग भोपाल में कमलनाथ जी के निवास पर कर रहे हैं और बिल्कुल तैयारी है कहां किस पूर्व मंत्री की ड्यूटी लगेगी, कहां किन विधायकों की ड्यूटी लगेगी, कहां किस विधानसभा में जातिगत समीकरण देख वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगेगी। हमारी पूरी तैयारी है, सारी डिटेल्स एक एक विधानसभा की एक एक पोलिंग की हमने समीक्षा कर ली है और हमारे व्यक्ति हम वहाँ पर डिपुट होना चालू हो रहा है, तो हमारी अच्छी तैयारी है। बात ये है जिस तरीके से 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और भाजपा की सरकार बनी है, ऐसे ही क्षेत्र में भी चर्चा चल रही है कि आने वाले दिनों में कुछ लोग महाराज के साथ जा सकते हैं और कांग्रेस से त्याग कर सकते हैं। देखिए, जिनके शरीर में जिनकी रगों में दोगला खून दौड़ रहा था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, तुलसी सिलावट या गोविंद राजपूत हों, दोगला खून चला गया। सिंधिया परिवार के एक बार फिर इतिहास दोहराया गया जब झांसी की रानी के साथ धोखा किया था अंग्रेजों से मिल के, वही बात कमलनाथ और कांग्रेस के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा किया है। तो दोगले खून के लोग चले गए। यहाँ आपने प्रश्न किया यहाँ से देवास से और जाने वाले, तो जिनके शरीर में दोगला खून हो वो कांग्रेस में ना रहे तो अच्छा है। दोगले खून की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है, यहाँ तो खून की आवश्यकता है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे लोगों के पवित्र खून की आवश्यकता कांग्रेस। क्षेत्र के किसान अभी 2018 के प्रधानमंत्री फसल बीमे से वंचित है, प्याज की भावांतर की राशि से वंचित है, उनकी उपज सही समय पर बिक नहीं पा रही है, इसके संबंध में आप शिवराज सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने तीन तीन चार चार बार शिवराज चौहान से इस बारे में बात की है। फसल बीमा में भी भेदभाव किया गया क्योंकि भाजपा की सरकार आती है और किसान की आंखों से आंसू बहना चालू हो जाता है। ये किसान मान चुका है कि शिवराज चौहान के अशुभ कदम, नक्षत्री बोलते हैं ना, वो पड़ते हैं और किसान का रोना चालू हो जाता है। फसल बीमा की राशि बांटने में भी भेदभाव किया, कई गांव छोड़ दिए गए हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, ये किसान के लिए संक्रमण काल है। ऐसे समय भेदभाव नहीं करके हर गांव में फसल बीमा की राशि दी जाना चाहिए। 509 करोड़ रुपए हमने कमलनाथ जी ने जमा कराए थे प्रीमियम, उसकी राशि बटी। इन्होंने तो 17-18 का जमा नहीं कराया, 18-19 का जमा नहीं कराया था, लेकिन भाषण देने में ये देखिए हमने जमा कराया, किसान को बरगला रहे हैं। सरकार ने कि अभी आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, इसमें मध्यम वर्गी के लिए आप अपनी क्या बात रखेंगे सरकार से? इतना बड़ा फ्रॉड विश्व का कोई नेता नहीं कर सकता जितना नरेंद्र मोदी करते हैं। इतना फ्रॉड घोषणा 20 लाख करोड़ की, 15-15 लाख जो हर व्यक्ति को देने की घोषणा की थी वो जीरो हो गई। आप व्यक्ति को लोन दे रहे हो, उसका वो कर्ज हो गया ना, वो कर्ज वसूल हो गए, आपने उसे आर्थिक सहायता कहाँ दी? आपने 68,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, बाबा रामदेव जैसे लोगों का 68,000 करोड़ रुपया माफ किया। इतनी राशि पूरे देश के किसानों की क्या आप माफ नहीं कर सकते? उल्टे आप कर्ज दे रहे हो। अरे, कर्ज की जगह आपको सहायता निधि देना थी जो वसूली नहीं जाती, आपने तो और उन लोगों को कर्ज में डुबो दिया कि आने वाले समय में फिर उनके गिरेबा में हाथ डालोगे, कर्ज वसूलोगे, राहत कहाँ मिली? अरे, ये तो कोई भी बैंक कर्ज देता है, वित्तीय संस्थाएं कर्ज देने के लिए तैयार बैठी, आपने कौन सा महान काम कर दिया, कौन सा वो जेब में जा रहा है? एक बात ध्यान रखिए, यदि नरेंद्र मोदी की ये नीति सही होती, ईमानदारी से 20 लाख करोड़ का पैकेज होता, तो रोज सेंसेक्स बढ़ता शेयर का। आप देख लिए, रोज शेयर का सेंसेक्स गिर रहा है, इसका मतलब उद्योगपति व्यापारी सब समझ गए कि फ्रॉड और थोती घोषणा इस व्यक्ति ने की है। ये मेरा आज तुलसी सिलावट।